आज मैं सिंपल और इजी तरीके से खीर बनाने के लिए बताने जा रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध 1 लीटर लिया है। इसे हम पैन में डाल देंगे। और इसे हम अच्छे से उबलने देंगे और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। इसे चलाते हुए उबालेंगे। उसके बाद इसमें हम चावल डालेंगे। तो मैंने चावल को धो के छान लिया था। और इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। खीर में उबाल आ गया और खीर पक भी गया है। तो इसमें हम चीनी डाल देंगे। इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच और थोड़ा सा नारियल कसा हुआ नारियल पाउडर इसमें थोड़ा डाल देंगे। सूखा नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया था, उसे डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए खीर 50% से ज़्यादा पक गया है। और इसे हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। तो अब इस तो खीर पक गया है। तो इसमें हम सूखे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, काजू बादाम, इन सबको हम डाल देंगे। थोड़ा सा नारियल कसा हुआ बचा हुआ था उसे भी डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए खीर पक गया है। तब तक खीर को पकाना जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए दूध, तब तक इसे पकाना है हमें। तो टोटल आपका 35 मिनट खीर बनाने में लगेगा मीडियम फ्लेम पे। तो इस तरीके से आप भी खीर बनाएं, बहुत ही जल्दी बन जाएगी।